अहो भाग्य हमारे जो एडोबी प्रीमियर प्रो में ऐसी अपडेट के साथ पधारे। इस अक्टूबर में एडोबी ने प्रीमियर प्रो के अंदर वर्जन 23 निकाला, जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स निकाली हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एडोबी को पता लग गया था कि मुझे क्या क्या चाहिए, और तो काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं। कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो एडोबी को शायद ध्यान रखना चाहिए प्रीमियर प्रो के अंदर, या कुछ कंस्ट्रेंट होंगे जिनकी वजह से वो अपडेट्स लेके नहीं आ रहा है। पर मैं बताता हूँ अपडेट्स में आया क्या क्या है, बहुत मज़ा आने वाला आज की क्लास में। बहुत अच्छी चीज़ अपडेट्स लेकर आया है एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ वो सब हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहली अपडेट जो एडोबी लेकर आया है वो है टेक्स्ट के अंदर हमको अभी स्ट्रोक जो है, देखिए मैंने एक नॉर्मल सा एक टेक्स्ट लिया हुआ है और जो इसके अंदर स्ट्रोक है वो मैंने स्ट्रोक लिया, स्ट्रोक लगाया। अभी देखिए स्ट्रोक वाइट लगा हुआ है, अभी मैं स्ट्रोक को कन्फिगर कर सकता हूँ कि मुझे आउटर स्ट्रोक चाहिए, इनर स्ट्रोक चाहिए कि सेंटर स्ट्रोक चाहिए। मान लीजिए मैंने ब्लू किया इसको, और ये देखिए अब ये आउटर स्ट्रोक है, ये है इनर स्ट्रोक और ये है सेंटर स्ट्रोक। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक नया अपडेट आया है इसके अंदर कि आप स्ट्रोक को कन्वेयर कर सकते हैं। पर अभी भी स्ट्रोक और फिल के ऊपर एडोबी एनिमेशन लेकर नहीं आया है कि इसमें हम लोग उनको एनिमेट कर सकें। ठीक है, ये थी पहली अपडेट। अपडेट नंबर टू जो कि है ये, देखिए मैंने एक ग्राफिक टैम्पलेट ली हुई है जिसके अंदर मैंने टोटल 3 टेक्स्ट लिए हुए, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। और इसमें आप एडोबी ने एक चीज़ निकाली है कि आप इनको अलाइन कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये तो पिनिंग का ऑप्शन था जो आपको पहले से पता था, और ये था अलाइन एंड ट्रांसफॉर्म का, जहाँ हम लोग इसको ऐसे अलाइन कर सकते थे किसी एक इंडिविजुअल टेक्स्ट को। पर अगर मुझे किसी एक टेक्स्ट को बाकी टेक्स्ट के रेस्पेक्ट में, बाकी टेक्स्ट के रेस्पेक्ट में अगर मुझे उनको अलाइनमेंट करना हो, तो अडोबी ने उसके लिए ऑप्शन दिया है कि आप सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करो। सारे टेक्स्ट को जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे देखिए अलाइन ट्रांसफॉर्म के अंदर ये एक नया ऑप्शन आ गया, अलाइन टू वीडियो फ्रेम, अलाइन टू वीडियो फ्रेम एज ग्रुप, अलाइन टू सिलेक्शन। अब देखिए अलाइन टू वीडियो फ्रेम, अगर मैं अलाइन टू वीडियो फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट कर रखा है, अब मैंने इसको सेंटर किया, तब तक टेक्स्ट को देखिएगा आप, ये है मेरा अलाइन सेंटर हॉरिजॉन्टली, तो सारे सेंटर हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए वीडियो फ्रेम को रेफरेंस लेते हुए, वर्टिकली तो सारे सेंटर में आ गए। ओके, क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस लिया हुआ है, तो इसको रेफरेंस लेने की वजह से तीनों टेक्स्ट उसको रेफरेंस मानते हुए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए। मैंने कंट्रोल सेट किया और अब मैं करता हूँ इसको अलाइन टू वीडियो फ्रेम एज ग्रुप। अगर मैंने ग्रुप कर दिया और अब मैं इसको सेंटर करता हूँ तो देखिए क्या होगा, क्या हुआ, उसने इन तीनों को ग्रुप मान लिया, इन तीनों को एक ग्रुप मान लिया और अब इन तीनों को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया है। सेम वर्टिकली करूँगा तो ये वर्टिकली अलाइन हो गए ग्रुप, ये ग्रुप वीडियो फ्रेम को मान के अलाइन कर रहा है, पूरा ग्रुप वीडियो फ्रेम को रेफरेंस मान के अलाइन कर रहा है। तो ये एक अलाइनमेंट का इसने एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, आप कैसे वीडियो फ्रेम को करके अलाइन करना है, कि वीडियो फ्रेम एज ग्रुप अलाइन करना है, कि अलाइन टू सिलेक्शन करना है। इसको थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लोर करिएगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अब ग्राफिक टैम्पलेट के अंदर किसी भी शेप को या टेक्स्ट को आपस में एक दूसरे के साथ अलाइन करके पूरे वीडियो फ्रेम के ऊपर सेट कर सकते हो। ठीक है, देखो तीसरा ऑप्शन क्या है जो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा मुझे ये भी, इसमें भी एक दो चीज़ों की कमी रह गई पर कोई बात नहीं। देखिए इसमें एक टेक्स्ट लेयर ये है और एक टेक्स्ट लेयर ये है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं मल्टीपल टेक्स्ट के ऊपर, मल्टीपल टाइटल जो है उनके ऊपर काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने दोनों टाइटल सेलेक्ट किए, अभी देखिए टेक्स्ट बी के ऊपर फिल कलर ब्लू है और यहाँ पर फिल कलर ए है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने दोनों को टाइटल को सेलेक्ट कर रखा है और मैं गया इधर और मैंने फिल कलर कर दिया रेड, तो देखिए दोनों टाइटल के अंदर एक साथ रेड कलर फिल हो गया है। सेम चीज़ आप इसके साथ भी कर सकते हो, मान लीजिए मैंने येलो स्ट्रोक दे दिया और स्ट्रोक का साइज़ मैंने इंक्रीज़ किया, तो देखिए दोनों में एक साथ स्ट्रोक ऐड हो गया है। इस जो अपडेट है इसमें ये बहुत अच्छा है कि हम लोग एक साथ टाइटल के ऊपर सेम काइंड ऑफ स्टाइलिंग लगा सकते हैं। इसमें मुझे बस एक चीज़ की कमी और लग रही है, कि वो ये है कि काश कुछ ऐसा होता कि मैं इसके जो टेक्स्ट स्टाइल है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता। यहाँ पे गया मैं कॉपी करता हूँ अगर इसको यहाँ से कॉपी और यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ तो देखिए पूरा टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है इसके अंदर। पर मैं चाहता था कि कुछ स्टाइलिंग का कुछ मिले, जैसे मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया और मुझे कहीं से स्टाइल जो भी इसके ऊपर लगा रखे हैं, मैंने जो भी स्टाइलिंग कर रखी है वो मैं चाहता था कि किसी और टाइटल लेयर के ऊपर लगा पाऊँ, पर ऐसा ऑप्शन नहीं आया है, आ जाए तो अच्छा है।
ठीक है, चलिए ये हुआ, हम लोग इकट्ठा मल्टीपल टाइटल के ऊपर काम कर सकते हैं। चौथा, एडोबी ने मोगट्स, जो हम लोग जैसे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर हम लोग ग्राफिक टैम्पलेट्स क्रिएट करते हैं और उनको प्रीमियर के अंदर इंपोर्ट करते हैं मोगट्स को और उनको यूज़ करते हैं, उसके लिए अभी मोगट्स आपके प्रीमियर प्रो के अंदर ऑलमोस्ट डबल स्पीड से काम करेंगे, ऐसा एडोबी ने किया, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स में मल्टी फ्रेम रेंडरिंग स्टार्ट हुई थी और उस अगर उस फीचर को यूज़ करते हुए आपने मोशन ग्राफिक टैम्पलेट अगर कोई क्रिएट करी है और आप प्रीमियर प्रो के अंदर लेके आते हैं, तो अब मोशन ग्राफिक टैम्पलेट्स पहले से ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे और बहुत स्मूथली काम करेंगे पहले के मुकाबले। प्रॉब्लम तो अभी भी आएगा, पर हाँ, पहले से थोड़े से फास्ट हो गए हैं। एक अपडेट और है कि जो लिमिटरी स्कोप्स थे ये लिमिटरी कलर और ये आया लिमिटरी स्कोप्स, ये जो लिमिटरी स्कोप है ये एडोबी ने अभी इनको जीपीयू एक्सेलरेट कर दिया है, कि मतलब अब लिमिटरी स्कोप जो है, जो आपको यहाँ सामने प्रीव्यू दिखाता है, वो जीपीयू एक्सेलरेटेड होगा, मतलब ग्राफिक कार्ड की हेल्प के थ्रू आपको ये सब यहाँ पे शो करेगा। और एक अपडेट और है जो मैं बोलूँगा कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी, कि आप जैसे आप इधर सीक्वेंस में जाएं, सीक्वेंस की सेटिंग्स में जाएं और सीक्वेंस की सेटिंग्स में जाकर ये आपको जो मिलता था ना वीडियो प्रीव्यूज़ हम लोग क्रिएट करते थे, अगर आपने मेरी क्लास देखी हो वीडियो प्रीव्यूज़ कैसे क्रिएट करने होते हैं और इनसे आप हेल्प कैसे ले सकते हो, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई कार्ड में दे दूँगा। तो देखिए, ये जो इसका जो डिफ़ॉल्ट जो कोडेक है वो भी क्विक टाइम एप्पल प्रोग्रेस 422 है, जो कि बहुत स्मूथली चलता है, ये सेट कर दिया। अगर आप इसको सेट नहीं भी करते हो और आपने प्रीव्यू को जनरेट किया, अगर आपने सेट नहीं किया, आपने कोई प्रीव्यू जनरेट किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोडेक है अभी एप्पल प्रोग्रेस 422 होगा। और एक्चुअली ये जो कोडेक है ये बहुत स्मूथ चलता, फाइल साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है पर एक्चुअली बहुत स्मूथ रहता है ये वाला, पर ये इसने एडोबी ने इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेट कर दिया है। अगर आपने चेंज नहीं किया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट यही उसमें रहने वाला है। और मैं चाहूँगा कि आप कभी भी कोई भी वीडियो प्रीव्यू आप क्रिएट करते हो तो उसका जो साइज़ है, जो रेजोल्यूशन है, वो आपकी जो सीक्वेंस की सेटिंग है, देखिए मेरे 1280x720 ये सेम रखें तो ज़्यादा अच्छा, जिससे कि आप कभी आप इसको रेंडर करोगे ना तो लास्ट में आप यूज़ प्रीव्यू करके रेंडरिंग बहुत फास्ट कर सकते हो। जैसे आपने मैंने यहाँ से प्रीव्यू जनरेट किया किसी चीज़ का, मान लीजिए मैंने इसका प्रीव्यू यहाँ से इन आउट और मैंने कहा आप सीक्वेंस में रेंडर इन टू आउट, तो मेरा इसका प्रीव्यू जनरेट हो गया, देखिए ग्रीन लाइन आ गई है। और जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा, मैं एक्सपोर्ट करूंगा, जनरल में जाऊंगा और यहां पे करूंगा यूज प्रीव्यूज, तो एक्चुअली आपकी रेंडरिंग पहले आप कर चुके हो तो आपको यहाँ पर री रेंडर करने में बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि आप पहले ही रेंडरिंग कर चुके हो, तो वो प्रीव्यूज़ को यूज़ करेगा और आपका रेंडरिंग टाइम ऑलमोस्ट मतलब नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि आपने पहले से ही रेंडरिंग इतनी कर रखी है। तो मैं बोलूँगा प्रैक्टिस यही रहेगी कि आपका जो भी प्रीव्यू हो, जो प्रीव्यू सेटिंग है, सॉरी ये प्रीव्यू सेटिंग है, आप यही रखें, ये बहुत अच्छा है ये वाला। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो प्रीमियर प्रो अभी लेकर आया है और मुझे तो बहुत बहुत पसंद आई। बस एक दो चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा कि एनिमेशन आ जाए फिल और स्ट्रोक्स में, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप आफ्टर इफेक्ट में ही कर पाते हैं, आप प्रीमियर के अंदर कर पाएंगे बहुत सारे काम हैं। पर करेक्टर एनिमेशन तो देखिए बहुत मुश्किल है प्रीमियर प्रो के अंदर, पर शायद उसके भी कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लिए हैं हम लोगों ने, आपने देखा भी मेरी पिछली क्लास में क्रॉप टूल यूज़ करके किया था। पर हाँ, प्रीमियर प्रो दिन ब दिन बहुत इंप्रूव होता जा रहा है। और एक ये और टेक्स्ट की स्टाइलिंग, क्योंकि टेक्स्ट हम लोग बहुत यूज़ करते हैं और उनकी अगर स्टाइलिंग हम लोग सेम रख सकें, कॉपी पेस्ट कर सकें, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने जो लास्ट स्टाइलिंग रखी होती है आपके नेक्स्ट टाइटल में वही आती है, पर अगर आपने चेंज कर दी एक बार स्टाइलिंग तो आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको वो दोबारा ही करनी पड़ती है। तो अगर स्टाइलिंग कॉपी पेस्ट का और ऑप्शन आ जाए तो बहुत मज़ा ही आ जाए एकदम प्रीमियर प्रो में टेक्स्ट में काम करने में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा सब कुछ, जो जो नए नए अपडेट्स आए हैं, और मैं इसलिए चाहूँगा कि आप अपना प्रीमियर फटाफट अपडेट कर लो और इन चीज़ों का मज़ा उठाओ। चलिए, ओके, बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।